पर प्रदर्शन। भारत में 3 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग के अलावा आज एक नया अध्याय जोड़कर देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छतरपुर जिले में अमित भटनागर के साथ धरने पर बैठे किसानों ने आज रेलवे स्टेशन के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि जो भारत सरकार लॉकडाउन के समय से रेलवे को बंद किए हुए है वह तुरंत चालू करें और तीनों कृषि कानूनों को भी वापस ले। छतरपुर पुलिस प्रशासन ने भी देशव्यापी आंदोलन को लेकर रेलवे स्टेशन पर पुलिस महकमे को चुस्त और दुरुस्त रखा। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस को पहरा बैठा दिया ताकि किसान रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश ना कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान लगातार 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन तीन काले कानूनों के लिए, लेकिन साथ में यहाँ पे किसानों ने जो रेल ट्रेनें नहीं चल रही हैं मोदी सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं उन ट्रेनों के चलाने के संबंध में किसान यहाँ बैठे हुए हैं और हम किसान नेता अमित भटनागर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कैसी उनकी प्लानिंग है आज की। हाँ, दरअसल पूरे देश का जो कॉल था किसान आंदोलन के तहत कि पूरे देश की जो ट्रेनें हैं 12 से 4 घंटे रुकी जाने की, हम लोग यहाँ पर आए, हमने पता किया 12 से 4 की ट्रेन थी, फिर हम लोग यहाँ घर पर बैठ गए। और बताइए कि ट्रेन मोदी सरकार ने क्यों बंद कर रखी है, क्या आप उसकी जानकारी दे सकते हैं? दरअसल मेरा जो मोदी सरकार का जो चेहरा है किसान और मजदूर विरोधी है, वो कॉरपोरेट के लाभ के लिए उसके निजीकरण भी कर रहे हैं और किसानों को और मजदूरों को, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर बंद करी है ट्रेनें, ज़्यादातर वो ट्रेनें बंद करी है जिससे मजदूर और किसान यात्रा कर। प्रशासन का क्या रवैया रहा? प्रशासन तो दरअसल कोई व्यवस्था नहीं, मतलब प्रशासन तो डरा हुआ है और कोई संविधान नियम कानून पालन किए नहीं जा रहे भाजपा की सरकार में, प्रशासन डरा हुआ है। और आज के आंदोलन को लेकर आपकी मुख्य मांगे क्या? आज के आंदोलन को लेकर हमारी जो देखिए अभी हम तो किसान आंदोलन के तहत जो है हमारी तो मुख्य मांगे यही है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाएं और जो हमारा MSP है किसानों की फसल का उचित दाम मिले और MSP पे कानून बने, क्योंकि आज आपका बैनर बदला हुआ है, तो इस बदले हुए बैनर की क्या मांगे? ये बदला हुआ बैनर जो है हम लोग किसान आंदोलन के तहत भी बैठे हुए हैं पर हमारी सचेत पार्टी भी है जो संघर्ष मोर्चा जो है इसके पूरे देश के नेता हैं, संयोजक हैं और ये पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं, 2 दिवसीय धरना जिसके बारे में।